brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे ही सियासी घमासान तेज होती जा रही है। आगामी चुनाव के मद्देनजर हर पार्टी ने करीब करीब अपने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने भी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 71 पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। अब तक पहली लिस्ट में 51, दूसरी में 12, तीसरी में 7 और चौथी लिस्ट में 1 प्रत्याशी की घोषणा की गई है। अब बीजेपी कोटे की केवल 4 सीटें ही बाकी हैं जिन पर प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। उनमें फिरोजाबाद, रायबरेली, देवरिया और कैसरगंज सीट शामिल है। इसमें अवध की कैसरगंज और रायबरेली सीट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैसरगंज सीट की। बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह यहाँ से सिटिंग सांसद हैं, लेकिन इस बार उनकी टिकट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा छिड़ी है। सांसद दिल्ली में नेताओं से मुलाकात को लेकर जनता के बीच घूम घूम कर प्रचार करने में जुटे हैं, लेकिन आलाकमान की ओर से अब तक उन्हें हरी झंडी नहीं दिखाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये चर्चा है कि उन्हीं के क्षेत्र के 2 विधायक उनकी राह का रोड़ा बने हैं। तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे और करनैलगंज विधायक अजय सिंह का नाम टिकट की रेस में बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह ने टिकट की उम्मीद को छोड़ दिया है। भले ही कैसरगंज सीट को लेकर आलाकमान ने फैसला ना लिया हो, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह मैदान में पूरी तरह एक्टिव है और नोटिस भी झेल रहे हैं। दरअसल बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को कुछ दिन पहले ही नोटिस जारी की गई। आरोप है कि उन्होंने चुनावी आचार संहिता और धारा 144 का उल्लंघन किया। आरोप है कि सांसद ने बिना परमिशन के गाड़ियों का काफिला निकाला था। जगह जगह लोगों की भारी भीड़ उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। जानकारी के मुताबिक कई गाड़ियों का काफिला करनैलगंज कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र में निकाला गया था। दावों की माने तो आचार संहिता के उल्लंघन मामले में करनैलगंज के SDM ने नोटिस जारी करते हुए बृजभूषण शरण सिंह से जवाब मांगा है। SDM ने कटरा बाजार, परसपुर और करनैलगंज थाना अध्यक्ष से भी इसको लेकर जवाब मांगा है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले में जल्द ही फैसला आना है। वहीं अभी भी बीजेपी ने कैसरगंज से किसी प्रत्याशी का टिकट फाइनल नहीं किया है। माना जा रहा है कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट सकती है। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह पहले भी कई बार कह चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। दरअसल यूपी की कैसरगंज सीट पर 5वें चरण में 20 मई को चुनाव होगा। इसको लेकर सभी दलों ने पूरी तैयारी की है। हालांकि इस सीट पर बीजेपी, सपा, BSP अभी तक किसी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। इस सीट को बीते 3 चुनाव से बृजभूषण शरण सिंह जीतते आए हैं। पिछले 2 चुनाव में वो बीजेपी और 2009 में सपा के टिकट पर जीत कर सांसद गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।